अस्सलाम, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सपर्ट नहीं हूं। ये तमाम मालूम इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूम इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूम के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपने जो अकाउंट अपने मेटामास्क में इम्पोर्ट किए होते हैं अपनी प्राइवेट की के जरिए, अगर तो वो लेट्स सपोज 5, 6 या 10 किए हुए और आपने मल्टीपल अकाउंट बनाए भी हुए हैं साथ, तो आप अगर उन इम्पोर्ट अकाउंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, क्योंकि समटाइम आप कन्फ्यूज हो जाते हैं अकाउंट को यूज करते हुए। तो जो आपके यूज के नहीं अकाउंट उनको इजीली आप डिलीट कर सकते हैं अपने मेटामास्क वॉलेट में से। बट एक चीज का खास ख्याल करना, जो अकाउंट डिलीट करने जा रहे हैं उसकी आपके पास बैकअप सेफ होना चाहिए, उसकी प्राइवेट की, या अगर वो 12 फेसेस बेस पे बना हुआ मेन अकाउंट है तो उसकी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन सेफ होनी चाहिए। हो सकता है अभी आपको उसकी जरूरत ना, आने वाले टाइम में उसकी जरूरत पड़ जाए, तो अगर आप डिलीट कर देंगे तो दोबारा वो आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। इन चीजों का ख्याल करने के बाद ही आपने किसी वॉलेट को अपने मेटामास्क में से डिलीट करना है। फिर भी प्रॉब्लम होती है, मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे bestcryptocurrencywallets@gmail.com और कॉमर्स कर सकते हैं बिलो दिस वीडियो। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कॉमर्स को रीड करूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि सर हम अपने मेटामास्क में USDT कैसे ऐड कर सकते हैं। USDT क्वाइन आपको मालूम ही है, तो वो हम अपने मेटामास्क में कैसे ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करना बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि आप अपने USDT को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने मेटामास्क वॉलेट में। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मेटामास्क वॉलेट ओपन करेंगे। दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस के तरीके मैं बता देता हूं आपको कि आपने किस तरह ऐड करना है अपना USDT। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है अपना वॉलेट। ये मेरे पास देखें अनलॉक, मैंने इसको कर लिया और ये लॉगिन हो गया मेरे पास मेरा वॉलेट। अब जब लॉगिन हो गया और यहाँ पे ऊपर देखें हमारे पास एथेरियम मेन नेट है, ठीक है, ये एथेरियम मेन नेट है और हम एथेरियम मेन नेट में जो है अपना USDT को ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें कोई और नहीं है, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। आप देखें ये हमारे पास एथेरियम का सिर्फ वॉलेट है और हमारे पास USDT ऐड नहीं है। तो USDT को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, दो तरीके हैं आपके पास। पहला मैं तरीका बता देता हूँ आपको, हम आप सिंपल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप में, ठीक है। तरीके इसलिए दोनों बता रहा हूँ ताकि समटाइम एक से आपको समझना है तो दूसरा आपके लिए ज्यादा जी हो, जो आपके लिए बेटर हो आप उस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। BTC अभी $48,000 पे है, ये एथेरियम है सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रही है और इसकी प्राइस भी आ रही है $39,000। आपने एथेरियम वाले को क्लिक कर देना क्योंकि हम अभी यूज कर रहे हैं एथेरियम मेन नेट। तो एथेरियम मेन नेट में USDT को यूज करने का तरीका क्या, वो बता रहा हूँ आपको। इस चीज को माइंड में रखना है कि अगर आप डिपॉजिट करें तो एथेरियम मेन नेट है ये। अब यहाँ पे देखें एक्सप्लोरर आ रहा है, सबसे ऊपर आया ईथर स्कैन डाटा यू, आपने इसके ऊपर चले जाना। अब जब इसके ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास स्कैन डाटा यू खुल जाएगा। एक तरीकेकार तो ये है जो आपने ईथर स्कैन डाटा यू ओपन कर लेना, और दूसरा तरीकेकार क्या है, मेटामास्क में जाएंगे आप। जाने के बाद जो आपका अकाउंट है वहां पे जाएंगे आप, जाने के बाद यहाँ पे देखें व्यू अकाउंट ऑन ईथर स्कैन, इसको भी आप क्लिक कर सकते हो। कोई सा भी लॉगिन है, लेट्स सपोज अगर मैं प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, काफी सारे अकाउंट है, लेट्स सपोज मैं फारूक वाले अकाउंट को लॉग इन करता हूँ, तो आप इसके जब 3 डॉट में जाएंगे तो जो सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है व्यू अकाउंट ऑन ईथर स्कैन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम वही वेबसाइट ओपन होगी। बट इसमें फर्क ये होगा कि आपका वॉलेट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी सर्च करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन हम दोबारा वापस आते हैं अपने मेन वाले पे जो हमने सबसे पहले वेबसाइट ओपन की थी। यहाँ पे अब आपने जाके लिखना है USDT। जब आप USDT लिखेंगे तो यहाँ पे देखें ये USDT थेटर USDT आपके सामने आ गया, और अभी इसकी प्राइस $1 है। आपको पता है जो हमारा USDT है वो $1 है, इसकी स्टेबल प्राइस है, स्टेबल कॉइन है। इसको हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें अब USDT से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी मेन अकाउंट पे। ये क्वांटिटी ट्रांसफर हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है,
ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाएगी आपको। होल्डर्स को चेक करना, होल्डर को चेक करेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग आ जाएगी, सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, 4% है, ये ट्रेजरी वॉलेट में पड़ा हुआ है ये, तो बाइनेंस के, बाइनेंस का ये है, बाइनेंस के पास इतना पड़ा यूएसडीटी। मतलब ब्लॉकचेन का फायदा सबसे बड़ा यही है कि आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। खैर, अब हमने यूएसडीटी को ऐड करना है मेटामास्क में, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये वाला हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, हमने इसको सिंपल यहाँ से जाके कॉपी कर लेना। जब इसको हम कॉपी करेंगे और मेटामास्क के वॉलेट को ओपन करेंगे, ये में हमें लॉक हो गया। आपको याद होगा कि हमने 1 मिनट का टाइमर सेट किया हुआ है इसके ऊपर, तो 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाता है, तो हमें अनलॉक करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर, लेकिन देखें सिक्योर चीज है, इससे आपकी सिक्योरिटी कितनी हो जाती है कि आपका वॉलेट ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है जब कोई चीज पे परफॉर्म नहीं करते अपने वॉलेट के ऊपर। अब हमारे, हमने अपने वॉलेट पे जो है वो पैसवर्ड डाल दिया और हमारा वॉलेट ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे इथेरियम ही आ रहा है। अब हमने अपना यूएसडी इसमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट टोकन पे जाएंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट टोकन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है कस्टम टोकन, कस्टम टोकन को आपने क्लिक कर देना है। अब हमारा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बिल्कुल ठीक होगा ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिक दोनों चीजें खुद पुट कर लेगा मेटामास्क, ये जो बाकी दो चीजें। अब हम यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करते हैं जाके। अब जैसे हमने पेस्ट किया और यहाँ पे देखें ये यूएसडीटी लिखा हुआ आ गया और सिंबल भी ऑटोमेटिक आ गया। और अगर आप यहाँ पे जाएं, सॉरी मैं दोबारा इसमें जाएं, यहाँ पे देखें सिंबल 6 है और इसका जो सॉरी डेसिमल इसका 6 है और सिंबल जो है वो यूएसडीटी ये है इसका सिंबल। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास चीजें आ गई, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐड कस्टम टोकन कर देना है। जैसे हमने इसको कस्टम टोकन किया, यहाँ पे देखें इसका आइकन के साथ आ गया क्योंकि वेरीफाइड है ये, और करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रही है इम्पोर्ट टोकन और बैग। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इम्पोर्ट टोकन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे देखें यूएसडीटी हमारे पास शो हो गया है जो हम ऐड करना चाह रहे थे। अगर मैं इसको जाके बैक पे जाऊं और तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये यूएसडीटी का वॉलेट ऐड हो गया। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि जिस सब्सक्राइबर ने पूछा था कि यूएसडीटी को कैसे ऐड करते हैं, ये अभी हमने ऐड किया है एथीरियम मेन नेट में। और अगर आप वो जानना चाह रहे हैं कि बाइनेंस मेन नेट में कैसे करना है या स्मार्ट बाइनेंस स्मार्ट चेन में कैसे करना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है ऐड करते, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं बिलो दिस वीडियो, और मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। मेरा ईमेल एड्रेस है bestcryptocurrencywallets@therateofgmail.com। और अगर आपको इस वीडियो से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस वीडियो को स्टॉप करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन आपने लाजमी दबाना है ताकि मेरी नया आने वाली जितनी भी वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें ताकि ज्यादा तक लोगों को तक ये वीडियो पहुंचे, वो टेक्निकल तौर पे स्ट्रांग हो, वॉलेट को यूज करना आए उनको। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।